40 किलो का वजन नहीं है उसके अंदर, 40 किलो। चार झापट गाल पे लगते ही सारी सुद्धि बुद्धि गुम हो जाएगी उसकी, भूल जाएगा। और धीरेंद्र शास्त्री के भाई को भी और धीरेंद्र शास्त्री को भी मैं कहना चाहता हूं, पाखंडी सुधर जाओ, समाज का बहुत बेवकूफ बना लिया आप लोगों ने, अब मेरा समाज थोड़ा सजग है, जाग रहा है। जय भीम साथियों, मैं आपका भाई विजेंद्र भारतीय। मध्य प्रदेश का एक साधु, एक कथावाचक जिसकी जाति बनिया है, वैश्य समुदाय से वो आता है, लेकिन उसने धर्म का चोला ओढ़ करके इस देश की जनता को मूर्ख बनाने का काम किया हुआ है। हाँ साथियों, मैं बात कर रहा हूँ धीरेंद्र गर्ग की, जिसने ब्राह्मण धर्म अपना करके अपने आप को धीरेंद्र शास्त्री कह करके इस देश की भोली भाली जनता को बेवकूफ बनाने का काम किया हुआ है। और उसके भीड़ का हिस्सा ज़्यादातर हमारा ही समाज बन रहा है। सबसे पहले तो मैं अपने समाज के लोगों को कहना चाहता हूँ, अपनाना है तो अपने महापुरुषों को अपनाइए, अपने संतों और गुरुओं को अपनाइए, जिन्होंने आपकी इस आज़ादी को दिलाने के लिए अपने प्राणों की बाली लगा दी, अपने परिवार को खो दिया, अपने सुख सुविधाओं को छोड़ दिया। और आप लोग ऐसे लोगों की भीड़ का हिस्सा बनते हैं जो आपके ही परिवारों के बीच में जाकर के आपके ही बहन भाइयों को, आपकी बेटियों को शर्मसार करने का काम करते हैं, अपमानित करने का काम करते हैं। धीरेंद्र शास्त्री का भाई सालिक राम गर्ग, कुछ समय पूर्व हम सभी लोगों ने सोशल मीडिया के द्वारा देखा कि वो एक ऐसी परिवार की शादी में जाता है जहाँ सामूहिक विवाह हो रहा होता है, और वहाँ जाकर के अपने मनचाहे गाने बजाने के लिए दबाव डालता है। जब उसकी ये बात पूरी नहीं की जाती है तो वहाँ पर खड़े लोगों को अवैध रूप से लिए हथियार से डराने धमकाने का काम करता है, गंदी गंदी गालियाँ देता है, सार्वजनिक जगह पर स्मोकिंग करता है, और लोग केवल भीड़ का हिस्सा बने हुए हैं और उसको महाराज जी कह करके पुकार रहे हैं। 40 किलो का वजन नहीं है उसके अंदर, 40 किलो। चार झापट गाल पे लगते ही सारी सुद्धि बुद्धि गुम हो जाएगी उसकी, भूल जाएगा। ऐसे लोगों को हम लोगों ने हीरो बना दिया, जिनमें चांटे लगने चाहिए, जो अपमानित होने चाहिए, उनके द्वारा हम अपने आप को अपमानित कराने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों से बचें, ऐसे लोगों की कथाओं में जाने से बचें, उनके यहाँ भीड़ का हिस्सा ना बने। ऐसे लोगों को आपने अपना कमाया हुआ धन दे दिया, दौलत दे दी, शोहरत दे दी, सब कुछ दिया, आपको क्या मिला? केवल और केवल अपमान। आप अपमान के भागीदार नहीं हैं। इस देश के अंदर संतों गुरु और महापुरुषों ने अपने प्राणों की बलि दी है, बलिदान दिया है, अपने परिवारों को त्यागा है, उसकी कद्र करें, उसका सम्मान करें। मध्य प्रदेश पुलिस ने मुकदमा लिखा और मेरे समाज के लोग बड़ी खुशियां मना रहे हैं कि उसके ऊपर मुकदमा लिख गया। मुकदमा किन धाराओं में लिखा गया? 294, 427, 506, 323, ये सारी धाराएं ऐसी हैं कि इनमें तत्काल बेल उसको मिल जाएगी, जमानत मिल जाएगी। लेकिन जब वो सरेआम अपने हाथ में तमंचा लेकर के वहां लहरा रहा है, जान से मारने की धमकी दे रहा है, उस तमंचे का जिक्र इस FIR में नहीं है। उसके ऊपर आर्म्स एक्ट के तहत धारा 25 में भी इस FIR में लिखी जानी चाहिए थी, जिसमें तत्काल बेल उसको नहीं मिलती। तो मध्य प्रदेश की पुलिस ने सालिग्राम को बचाने का काम किया है, उसको साथ के साथ जमानत मिल जानी है। SC ST एक्ट में कहीं कोई गिरफ्तारी नहीं है। CO रैंक का अधिकारी उसकी जांच करता है पहले, अगर वो साबित होता है तब जाकर के उसकी गिरफ्तारियां मिलती है। वहां SCO भी उनके हैं, CO भी उनके हैं,
पुलिस उनकी है, अपनी ताकत को पहचाने, अपनी ताकत का हिस्सा बने, ऐसे लोगों को मुंहतोड़ जवाब दे। और धीरेंद्र शास्त्री के भाई को भी और धीरेंद्र शास्त्री को भी मैं कहना चाहता हूं, पाखंडी सुधर जाओ, समाज का बहुत बेवकूफ बना लिया आप लोगों ने, अब मेरा समाज थोड़ा सजग है, जाग रहा है, ऐसे लोग इसकी भीड़ का हिस्सा ना बने, यही मेरी आपसे गुजारिश है। जय भीम।